अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 से 15 हज़ार रुपये के रेंज के अंदर आपके लिए कौन से अच्छे मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं। काफ़ी दोस्त कमेंट में बार बार यही कहते हैं 12 से 15 हज़ार रुपये के रेंज के अंदर कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन बताएं जिसकी रैम अच्छी हो, स्टोरेज अच्छी हो, अगर बात करें बैटरी की तो वो भी आउटस्टैंडिंग हो और साथ कैमराज भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच कर लेना है। अगर आपका बजट 12 से 15 हज़ार रुपये है और आप इस बजट के रेंज के हिसाब से कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो के अंदर आपको दो ही ऐसे मोबाइल फोन बताने वाला हूं जिनकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर बात करें प्राइस की तो 12 से 15 हज़ार रुपए आपको पाकिस्तानी मार्केट में इन दोनों मोबाइल फोन की कीमत देखने को मिलेगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर ना भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो मोबाइल फोन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ये इन्फिनिक्स कंपनी के जानिब से। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के नेम की तो ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 है। इस मोबाइल फोन के दो वेरियंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला वेरियंट आपको 2 GB रैम और 32 GB रोम के साथ देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के कैमराज की तो यहाँ पर आपको मेन कैमरा 13 MP का देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट पे भी आपको 8 MP का एक अच्छा सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन की प्राइस की बात करें तो ये आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 13,500 रुपए के रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करें इस मोबाइल फोन के कैमराज के तो कैमराज इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और साथ ही बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। और साथ ही बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के रेजोल्यूशन की तो यहाँ पर आपको 720 का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी और आप इन कैमरा से 1080 तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की बैटरी की तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और साथ आपको 10 W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप 13,000 रुपए के रेंज के अंदर कोई अच्छा मोबाइल फोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस मोबाइल फोन को बाय कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकंड मोबाइल की। ये मोबाइल फोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 का अब वेरिएंट है जो 3 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की प्राइस की तो ये आपको 15,000 रुपए के रेंज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। ये मोबाइल फोन 20 अगस्त 2020 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ आपको IPS LCD डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। और साथ ही बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के रेजोल्यूशन की तो यहाँ पर आपको 720 का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी और आप इस मोबाइल फोन से 1080 की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरास की। बाकी तमाम स्पेसिफिकेशन पहले मोबाइल के साथ सेम है। यहाँ पर भी आपको कैमरा 13 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट पे आपको 8 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलेगा। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप इस मोबाइल फोन से 1080 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की बैटरी की तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और साथ आपको 10 W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। तो गाइस, दोनों मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है। ओनली स्टोरेज को छोड़कर यहाँ पर आपको जो कि लो वेरिएंट है वो 2 32 GB के कम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिलता है जिसकी प्राइस 13,000 है। और अगर बात करें 3 64 के कम्बिनेशन के साथ इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की प्राइस की तो वो आपको 15,000 रुपए के रेंज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोनों मोबाइल फोन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि मैंने काफी सर्च करके ये दोनों मोबाइल फोन आप लोगों के सामने रखे हैं क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से कोई भी इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज लाते रहता हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोबाइल के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।